अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जावा के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है टाइप कास्टिंग का। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होती है, आप लोग जावा में जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो करते रहेंगे। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको होती रहेंगी। इससे पहले भी हम थोड़ी बहुत टाइप कास्टिंग करते रहे, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लिसिटली ये नहीं बताया था कि ये टाइप कास्टिंग हो रही है या ये क्या हो रहा है, ये अप कास्टिंग हो रही है, ये डाउन कास्टिंग हो रही है। तो आज की वीडियो में हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये काम कैसे करती है और ये क्या होता है। ठीक है, और जो कुछ हम टाइप कन्वर्जन कर रहे थे तो वो कैसे हो रही थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि डेटा टाइप्स हैं जो कि हमारी जावा में होती है, प्रिमिटिव रैम, नॉन प्रिमिटिव रैम। ठीक है, वो एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी हम जावा टाइप्स को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक से दूसरे के अंदर तो वो कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग इस चीज़ को हमारे लिए इनेबल करता है। ठीक है, कि हम एक टाइप का किसी डेटा टाइप के वेरिएबल को दूसरी टाइप के डेटा वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और ये दो तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, एक जावा ख़ुद हमारे लिए कर ले जिसे ऑटोमेटिकली करते हैं, या एक प्रोग्रामर ख़ुद करे जिसे नॉर्मली हम मैन्युअली कहते हैं या एक्सप्लिसिट कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसको ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, कास्टिंग दो किस्म की होती है। ठीक है, अब मैं कास्टिंग के ऊपर जाता हूँ, स्पेसिफिकली कास्टिंग के ऊपर आता हूँ। ठीक है, तो कास्टिंग दो किस्म की होती है, एक होती है अप कास्टिंग और एक होती है डाउन कास्टिंग। ठीक है, अप कास्टिंग को हम वाइडनिंग और ऑटोमेटिक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होती जाती है, तो अप कास्टिंग को वाइडनिंग क्यों कहते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। इस तरह डाउन कास्टिंग है, उसको हम नैरोइंग कहते हैं। ठीक है, और चूँकि इसके मैनुअल बिहेवियर की वजह से इसको एक्सप्लिसिट भी कहते हैं कि ये एक्सप्लिसिटली करनी पड़ती है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डेटा टाइप्स हमारी जो जावा के अंदर है, प्रिमिटिव स्पेशली, उनके अंदर कितना डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली दो किस्म की हैं। ठीक है, और वो दो किस्म कौन सी हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इंटीजर और फ्लोट। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप में फर्दर फिर आगे से तकरीबन हो जाती हैं 5-6 टाइप्स होती हैं। ठीक है, जो कि जिन पर हम मैं बुलियन मैंने डिस्कस नहीं की। ठीक है, तो मैंने 5 की हैं। ठीक है, और फ्लोट के अंदर दो आती हैं। ठीक है, तो बुलियन का यहाँ मैंने जिक्र नहीं किया। ठीक है, वो बाद में किसी टाइम जिक्र करेंगे, तो क्योंकि बुलियन में कन्वर्जन नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा साइड पर कर दिया। तो जनाब, हमारी जो सबसे पहली टाइप आती है इंटीजर में, वो है बाइट, जो 8 बिट्स की होती है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट है वो 16 बिट्स की या 2 बाइट्स की होती है। इस तरह करेक्टर है वो 16 बिट्स या 2 बाइट्स का है। इंटीजर है जो 32 बिट्स या 4 बाइट्स का है। ठीक है, ठीक है, आई कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, वो थोड़ा सा टाइपिंग के अंदर ये पावर पॉइंट ऐसे कर देता है। उसके बाद है लॉन्ग 64 बिट का या 8 बाइट्स का है। ठीक है, इसी तरह हमारी दूसरी टाइप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कैटेगरी है, वो है फ्लोट की। फ्लोट में दो कैटेगरीज हैं, फ्लोट और डबल फ्लोट, 32 बिट का या 4 बाइट का, और डबल 64 बिट या 8 बाइट का। इसी तरीके से ये तो बात थी हमारी प्रिमिटिव की। तो प्रिमिटिव में नॉन प्रिमिटिव या ऑब्जेक्ट्स की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव या ऑब्जेक्ट्स की बात मैं आप लोगों को करते हुए या मैं आप लोगों को बता दूं कि पेरेंट के पास पेरेंट का डेटा होता है और चाइल्ड के पास पेरेंट और उसके उसका अपना डेटा होता है। ठीक है, पेरेंट का भी डेटा होता है, उसका अपना डेटा भी होता है। तो इसमें से जो चले प्रिमिटिव में तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो बड़ी डेटा टाइप कौन सी है, कि कौन कितना डेटा स्टोर कर सकती है। जैसे कि लॉन्ग है हमारी उधर इंटीजर की कैटेगरी में और डबल अपलोड की कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन सी डेटा टाइप किससे है। तो ऑब्जेक्ट्स में हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका तरीक़ेकार यह है कि देखो, हम कहते हैं कि शायद हम जैसे देखें कि पेरेंट के पास सिर्फ पेरेंट का डेटा है, चाइल्ड के पास पेरेंट का और उसका अपना भी डेटा भी है। लेकिन कभी आप लोगों ने नोट किया कि बेटा अपने बाप से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो यही वजह है कि ऑब्जेक्ट्स में हमें जो पेरेंट है वही हमेशा
बड़ा होता है, ठीक है, यानी वो अप कास्ट है या वो ऊपर ऊपर लेवल पर है या बड़ी डेटे टाइप है। क्यों पेरेंट क्यों बड़ी टाइप डेटे टाइप है? उसके पास बहुत सारे चाइल्ड भी तो होंगे, ठीक है। चाइल्ड ये खुश होगा कि मैं, मेरे पास मेरा अपना डेटा, पेरेंट का डेटा मैं लेकर आया हूँ, तो बस ये बहुत है। तो ऐसी बात नहीं है, पेरेंट के पास बहुत सारे चाइल्ड होंगे तो पेरेंट ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। तो पेरेंट के पास, ठीक है, पेरेंट के पास डिफरेंट टाइप के चाइल्ड होंगे और डिफरेंट होंगे। किसी के अंदर ओवरलोडिंग हो रही होगी, किसी के ऊपर ओवर राइटिंग हो रही होगी, किसी को इनहेरिट कर रहा होगा, किसी को इनहेरिटेंस नहीं दे रहा होगा। तो पेरेंट के पास बहुत सारे मेथड और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो और बहुत सारी वो इनहेरिटेंस में बहुत सारे उसके चाइल्ड होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव्स में हम देखेंगे कि जिस डेटा टाइप कितना डेटा स्टोर कर सकती है, जबकि नॉन प्रिमिटिव या ऑब्जेक्ट्स में हम देखेंगे कि हमारा पेरेंट कौन सा है। तो पेरेंट जो होगा वो हमारा बड़ी डेटा टाइप होगी, ठीक है, और बिगर डेटा टाइप होगी, और जो हमारा चाइल्ड होगा वो हमारी स्मॉलर डेटा टाइप होगी, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने बात की थी अपकास्टिंग और डाउन कास्टिंग की, तो जब मैं अपकास्टिंग की बात कर रहा था तब मैंने आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि अपकास्टिंग में हम इस तरह करते हैं कि वाइडनिंग कर रहे होते हैं, या ऑटोमेटिक का मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था। तो वाइडनिंग क्या होता है, तो ये वो आप लोगों को पहली स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा कि अपकास्टिंग में हम इस तरह करते हैं कि स्मॉलर डेटा टाइप को बिगर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी जो हमारी स्मॉलर डेटा टाइप है, जैसे बाइट है, अगर उसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे कहा जाएगा जनाब, अपकास्टिंग, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बाइट है वो 8 बिट की है और शॉर्ट हमारी 16 बिट की है। इसी तरीके से अगर मैं बाइट को करेक्टर के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो इसे भी अपकास्टिंग कहेंगे, क्योंकि हम छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप के अंदर कर रहे हैं। अब छोटी सी एक चीज़ ये है कि ये मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक मैंने थोड़ी सा एक किया है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, हमारा इंटीजर है जिसके अंदर 2 स्टोर है। तो अब हम इसको बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बड़ी डेटा टाइप में क्या कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इंटीजर है हमारा जनाब 32 बिट्स या 4 बाइट्स का, ठीक है। अब मैं उसे लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लॉन्ग है उसका 64 बिट्स या 8 बाइट्स का। तो उसे मैंने कैसे कन्वर्ट करना है, पहले लिखना है लॉन्ग, ठीक है, फिर लॉन्ग वेरिएबल, उसके बाद ए लिखता जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम छोटी डेटा टाइप से बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्यों इसकी वजह, या ऑटोमेटिक से क्यों कहते हैं, या इम्प्लिसिट हम इसे क्यों कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो भाई इस तरह के हम जो कि छोटी डेटा टाइप से बड़ी डेटा टाइप पे जा रहे हैं, हमें कोई स्पेशल काम करना नहीं पड़ता, ठीक है, क्यों, इसमें डेटा की लॉस का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। यानी अगर छोटी चीज़ को छोटी चीज़ को बड़े डब्बे के अंदर डाल दें तो उसको हमें कोई लॉस नहीं है, ठीक है, उसमें हमें कोई इतना टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हम ऑटोमेटिक, हमें कहा कि यार ये छोटी चीज़ें बड़े डब्बे में डालनी है तो हम आराम से डाल देंगे, ठीक है, तो इसमें हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमें कहा जाए कि एक पानी का गिलास है वो जग के अंदर डालना, तो हम ऑटोमेटिकली डाल देंगे, क्यों, वो हम कर रहे होते हैं आप कास्टिंग, यानी छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा अपकास्टिंग, उसमें हम इस तरह करते हैं कि छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप को, और उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिकली इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ता। सपोज हमारे पास ये इंटीजर टाइप का है, उसके अंदर 2 है, तो हमें पता है इंटीजर टाइप है 32 बिट्स या 4 बाइट्स की, हम लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग देखते हैं वो बड़ी डेटा टाइप है 64 बिट्स या 8 बाइट्स की। तो इसमें कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, तो हमने लॉन्ग का वेरिएबल लेके उसके अंदर ए को स्टोर कराना है। तो जैसे ही हम उसको सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे उसी टाइम हमारी जो वैल्यू है इंटीजर टाइप में या 32 बिट में वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक है क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं है, तो जावा ने इसको ऑटोमेटिक कर दिया, इसलिए हमें कोई स्पेशल काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि ये चीज़ सिर्फ उसके अंदर नहीं होती कि प्रिमिटिव्स के अंदर नहीं होती, बल्कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी होती है। अगर हम चाइल्ड को अब पेरेंट में कन्वर्ट करें तो हम कहेंगे कि हम उसका क्या नाम है अपकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब जो मेन चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाउन कास्टिंग, जिसे हम नैरोइंग कह रहे थे, ठीक है। तो अप कास्टिंग में देखा था तो हम बाइट कर रहे थे, एक बड़ी चीज़ में डाल रहे थे, लेकिन डाउन कास्ट में हम एक छोटी चीज़ में डाल रहे हैं, यानी हम एक बड़ी डेटा टाइप को छोटी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो
ये थोड़े से एक्सप्लिसिट टाइप का, क्यों बड़ी डेटा टाइप जैसे हम इंटीजर को करेक्टर के अंदर डालेंगे तो हमें लगता है कि शायद हमारा डाटा लॉस ना हो जाए। जैसे हमें जग का पानी ग्लास के अंदर डालना हो तो अगर तो ये थोड़ा रिस्की काम है क्योंकि जग के अंदर ज़्यादा पानी होता है और ग्लास के अंदर कम पानी होता है। तो ये इसी तरीके से हम बड़ी डेटा टाइप का अगर छोटी डेटा टाइप के अंदर डालेंगे तो चांस है कि कोई डेटा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें एक छोटी बड़ी चीज़ हमें छोटे से डब्बे में डालनी पड़ जाए तो हम क्या करते हैं कि हमारा बहुत सारा हमें पूरी गाय डालनी पड़ जाए फ्रीज़र के अंदर, तो हम क्या करते हैं गाय को चॉप करते हैं और उसके अंदर डालते हैं। तो यही तरीका है कि हम जब भी डाउन कास्टिंग करते हैं, यानी हम बड़ी डेटा टाइप को छोटी डेटा टाइप करते हैं, तो उसमें एक चांस होता है इन्फॉर्मेशन लॉस का, या एक खदशा रहता है। ठीक है, एक डेंजर रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लिसिट है, यानी इम्प्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट है। हमें स्पेसिफिकली कली बताना पड़ता है कि भाई हमने डाउन कास्टिंग करनी है, यानी ये ऑटोमेटिक नहीं होगी बल्कि हमें खुद बताना पड़ेगा भाई मैंने डाउन कास्टिंग करनी है, क्योंकि जावा खुद से कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट इंफॉर्मेशन के लास्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये उसी तरह प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव दोनों में होती है। तो करने का क्या तरीका है? करने का तरीका ये है कि लॉन्ग ए इज इक्वल टू एनी वैल्यू, यानी हमारे पास कोई लॉन्ग है उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, सपोज़ टू ही पड़ी हुई है। ठीक है, टू ही पड़ी हुई है। ठीक है, टू पड़ी हुई है। ठीक है, मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो डाटा का लॉस है, लेकिन बाजार हमें कोई डाटा लॉस नहीं लग रहा, लेकिन अगर कोई बड़ी बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती, ठीक है, तो फिर क्या होता? तो फिर यकीनन इसमें डेटा लॉस होता, तो जावा इसको ऑटोमेटिकली अलाउ नहीं करेगा। तो उसे करने का क्या तरीका है? हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद हम ये जो लॉन्ग है वो वेरिएबल लिखेंगे, और उससे पहले जिस डेटा टाइप में हमने कन्वर्ट करना वो लिख देंगे, यानी हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि इस डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है। तो यही छोटा सा डाउन कास्टिंग का थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, लेकिन हम इजीली कर सकते हैं, यानी उसके डेटा टाइप को ब्रैकेट के अंदर लिखकर उसके बाद वेरिएबल जिसको हमने कन्वर्ट करना है करके हम अपने किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स में हम पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ आएंगे, यानी पेरेंट्स बड़ी डेटा टाइप है उसको जब चाइल्ड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी समझ आएंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये थोड़ी सी पसंद आई होगी वीडियो। ठीक है, तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नए दोस्त आए स्पेशली उनसे कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पहले से हम दोस्त मौजूद हैं उनसे कहूँगा हमारी कमेंट्स को, हमारे कंटेंट को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।